नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। त्रिवेणी नगर शहर के एमएमसीएच अस्पताल का उपायुक्त शशि रंजन और उप विकास आयुक्त मेगा भारद्वाज ने किया निरीक्षण। वहीं उपायुक्त ने एमएमसीएच में बने कोविड वार्ड ने और ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण। वहीं कोविड 19 संक्रमित मरीजों से भी की मुलाकात। उपायुक्त शशि रंजन ने कहा कि उन्होंने एमएमसीएच में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर निरीक्षण किया है। साथ ही सभी स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को निर्देश दिया है कि अस्पताल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर अलर्ट रहे, साथ ही अस्पताल में भर्ती सभी मरीज का देखभाल करें। उपायुक्त ने बताया जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। और सब डिविजनल हॉस्पिटल है, वहाँ भी कराया जा रहा है। इसमें मेन हम लोग ऑक्सीजन जो प्लांट लगा है उसकी उसको चालू करके उसका असेसमेंट कर रहे हैं, बेड्स पे ऑक्सीजन पहुंच रही है कि नहीं। जितने हमारे बेड्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उसके उसको असेस कर रहे हैं ताकि अगर ज़्यादा संख्या में मरीज आ जाए तो उसको कैसे हम लोग मैनेज कर सकें। यहाँ पर कंट्रोल रूम भी स्थापित है ज़िला में, तो उसके भी निरीक्षण किया गया। यहाँ पर यहाँ से जितने भी संक्रमित व्यक्ति हैं उनको कॉल किए जा रहे हैं। जो किट हैं, कोविड 19 किट हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। हॉस्पिटल में भी काउंटर है और घरों पर भी ले जाकर हमारे सैया बहनें दे रही है। एक तरह से पूरी जो तैयारी होती है उसको हम लोग ने एसएस आज किया है यहाँ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में। इसके अलावा जो सब डिविजनल हॉस्पिटल है वहाँ पर भी हमारे सिविल सर्जन गए हुए हैं, वहाँ भी वो इस तरह के ड्रिल कर रहे हैं। तो तैयारी हम लोगों की काफ़ी पुख्ता है। हमारे जो डॉक्टर्स और नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, सभी वेल ट्रेंड हैं। प्लांट को ऑपरेट करने के लिए सफिशियंट नंबर में टेक्निकल पर्सन है और ट्रेंड है, वो अच्छी तरह से प्लांट को चला पा रहे हैं। तो अगर केसेस बढ़ते हैं और ज़्यादा मरीज आते हैं तो हम लोग उनका सही उपचार अपने ज़िले में कर पाएँ, इसकी पूरी तैयारी हो गई है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।